नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया था और हाल ही फिलहाल में लालू प्रसाद यादव के करीबी के यहाँ छापेमारी भी हुई थी और काफी ज्यादा कैश भी बरामद हुआ था। इसी बीच अब लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आ रही है, बौखलाए हुए नजर आ रही है कि गृह मंत्री की जब बात उनसे पूछी जाती है, कहते हैं अमित शाह कौन है। उनका जवाब होता है, एक बार फंसे थे ना, फिर फंसेंगे, कौन है अमित शाह। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जरा ये वीडियो भी सामने आ रही है, जरा देख लीजिए किस तरीके का रहा इनका रिएक्शन। लालू जी, नॉमिनेशन आज हो गया है, चलिए ना भाई, नॉमिनेशन हो गया सर। सर क्या कहेंगे, नॉमिनेशन हो गया। अमित शाह ने कहा है कि उनका लटकाएंगे। चलिए तो जैसे कि साफ तौर पर आप वीडियो में भी देख सकते हैं, पहले तो विक्ट्री साइन देते नजर आए क्योंकि राबड़ी देवी ने अपना नामांकन जो है दाखिल किया। उसके बाद जब वहां से निकल रहे थे, सवाल के जवाब में कहते हैं कौन है अमित शाह, एक बार फंसे थे ना, फिर फंसेगे। अब ये पूरा माजरा क्या है, आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव। एक बहुत बड़ा कारण तो बिहार में हुआ सियासी खेल है, जब नीतीश कुमार ने पाला जो है बदल दिया और इसके बाद बिहार में पूरी तरीके से सत्ता पलट हो गया। उसके बाद लगातार जुबानी जंग तो जारी है और इसी बीच कई करीबियों के यहाँ पर भी छापेमारी हुई और साथ ही साथ कई अन्य चीजें भी देखने के लिए मिली है। क्या है इस बयान के पीछे का कारण, संभावित यही बताया जा रहा है। तो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। दो दिन पहले बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने जनसभा के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। सोमवार को बिहार विधानसभा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आरजेडी प्रमुख ने पूछा कौन है अमित शाह, अमित शाह एक बार फंसे थे ना, फिर फंसेंगे। गौरतलब है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने एक दिन की यात्रा पटना पर आए थे, मतलब एक दिन की यात्रा को लेकर पटना आए थे और पटना में गेस्ट हाउस में लिफ्ट अचानक फंस गया, लिफ्ट का दरवाजा जाम हो गया था और तमाम प्रयास के बाद भी खुल नहीं रहा था। लिफ्ट के अंदर ही अमित शाह भी थे। काफी मशक्कत के बाद आधे घंटे से अधिक समय के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला जा सका। गौरतलब है कि उसके बाद बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला था। शाह ने चेतावनी देते हुए कहा था कि पिछड़ा अति पिछड़ा की जमीन पर कब्जा करना किया जा रहा है, बिहार में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है, जमीन पर कब्जा करने की प्रवृत्ति अब जो है नहीं चलेगी, सरकार एक कमेटी बनाएगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, भू माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थानों को हाईजेक करने के आरोप जो है लगाए थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार पर नोटबंदी के दौरान लूट का आरोप जो है लगाया, जबकि सांसद मीसा भारती ने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं दिखाती है। तो आप देखिए किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा बौखलाए हुए नजर आए। इसके पीछे का एक संभावित कारण जो आप देख सकते हैं कि अभी अमित शाह आए भी थे दौरे पर, वहां पर भू माफियाओं को लेकर भी कही गई और एक बड़ा कारण और बताया जा रहा है, और ये कारण है लालू प्रसाद के करीबी के यहां पड़े छापे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह सारी चीजें बोल रही हैं, तो वहीं कल ही की बात है जब लालू प्रसाद के करीबी सुभाष यादव पर जो है उन्हें 24 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि ईडी की जांच में बगैर हिसाब उनके पास 2.37 करोड़ रुपए जो है मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनकी जो न्यायिक हिरासत है आज उन्हें जो है बढ़ा दी गई है। ईडी ने जांच में बगैर हिसाब से उनके जो पैसे पाए गए हैं, नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज जो है उनसे जब्त किए गए थे, और ये लालू प्रसाद यादव के काफी ज्यादा करीबी बताए जाते थे। आपको बता दें कि अवैध रेत खनन मामले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग के जांच में सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी हैं सुभाष यादव को गिरफ्तार किया गया था। बिहार से पटना कई स्थानों पर एजेंसी के अधिकारियों द्वारा की गई छापेमारी के बाद जो है यहाँ पर जो सुभाष है धन संशोधन के मामले को लेकर जो है पीएमएलए के तहत देर रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी अधिकारियों ने कहा कि सुभाष को रविवार की सुबह विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शनिवार सुबह पटना के दानापुर इलाके उनके आवास पर छापेमारी करने वाले ईडी अधिकारियों द्वारा पूछताछ के बाद सुभाष को गिरफ्तार किया गया, जिससे पटना के उनके अनेक जो है अन्य आवासीय ठिकानों पर भी एक साथ जो है छापेमारी की थी। आपको बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने हिरासत में लेने से पहले सुभाष के रेत खनन
और अन्य वित्तीय लेन देन से संबंधित दस्तावेजों को भी बकायदा स्कैन किया था। 9 मार्च को पटना में सुभाष यादव से संबंधित 6 परिसरों की तलाशी भी ली गई थी, जिसमें उनके करीबी सहयोगी के परिसर भी शामिल थे। तलाशी के दौरान 2.30 करोड़ से ज्यादा की नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज जो है जब्त किए गए थे। 9 मार्च की देर रात सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था और सुभाष कथित तौर पर बिहार में अवैध रेत खनन का कारोबार चलाता था। वह पटना क्षेत्र के प्रमुख बालू कारोबारी में से एक था और लालू प्रसाद यादव का करीबी भी माना जाता था। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई कुछ प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर जो है आया था। ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। 2 साल पहले भी ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और इससे पहले आयकर विभाग ने 2018 में कर चोरी के एक मामले में सुभाष के परिसरों में छापेमारी की। इससे पहले इस मामले में सिंडिकेट सदस्य राधा चरण साह, उनके बेटे और बीएसपीएल के निदेशक ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और ईडी ने रुपए की सीमा तक कौनसे पत्ते के अस्थायी रूप से जो है इसे देखा था। और अब इस मामले में अगर आप देखेंगे न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है ये निकलकर सामने आई है, जिसे लेकर इनके पास कोई हिसाब ही नहीं है। तो अब देखिए कि किस तरीके से बैक टू बैक जो बिहार में कार्रवाई हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई सत्ता परिवर्तन से। नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार जाएंगे और आखिरकार नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और यहां पर जो नीतीश लालू की गठबंधन की सरकार थी वो टूट के बिखर गई और डबल इंजन की सरकार बिहार में स्थापित हो गई। इसके बाद से लगातार जुबानी जंग जो है देखने के लिए मिलती है। नीतीश कुमार वर्सेस लालू यादव, लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है लगाते रहते हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में आए थे बिहार में, उन्होंने जो है रैली को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने खुलकर यह बात कही थी कि बिहार में अब जंगलराज नहीं है, बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार जो है ये भू माफियाओं के खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई करेगी, अति पिछड़ों और पिछड़ों की जमीन को हड़पने वालों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने लोगों से जो है जमीन छीन ली, उसके ऊपर उन्होंने जो है कब्जा जमा लिया, उनके खिलाफ एक प्रॉपर कमेटी बैठाई जाएगी जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट में दोषी पाए गए लोगों पर कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि भू माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। अब अगर आप देखेंगे लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में बीजेपी कई सारे मास्टर स्ट्रोक खेलती नजर आ रही है। बिहार में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और सत्ता परिवर्तन हो गया और अब अगर आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव के करीबी के यहाँ भी अभी हाल ही फिलहाल में बालू खनन के जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है पीएमएलए के तहत, उनके ऊपर भी कार्रवाई देखने के लिए मिली। और अब अगर आप देखेंगे एक और बड़ा बम फट रहा है। अब साफ तौर पर अमित शाह जो है कई सारे अगर आप कहेंगे कि बड़े झटके जो है बैक टू बैक लालू प्रसाद यादव को देते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के ऐसे भी खबर है कि लालू प्रसाद यादव के भी कई सारे करीबी नेता जो है वो बीजेपी के साथ टच में हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और बड़े खेल जो है उसके होने के संकेत जो है दिखाई दे रहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का स्तर कहाँ तक जाता है और किस तरीके से बयानबाजियाँ देखने के लिए मिलती है और क्या कुछ और बड़ा अपडेट बिहार की राजनीति में देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि हम आपको पूरी तरीके से रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बैक टू बैक बिहार में हुई कार्रवाई, बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन और बिहार में जिस तरीके से एक्शन मोड में अमित शाह नजर आ रही है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बौखलाए नजर आए। अमित शाह के दौरे के बाद लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया जहां पर उन्होंने ये कहा कि अमित शाह कौन है, एक बार फंसे थे ना, वापस से दोबारा फिर फंसेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के बयानबाजियों का दौर जारी है, जैसे कि हमने आपको अवगत कराया और अब इस पूरे मामले पर आपके भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।